हम मना लेंगे, यू कह रही हो। वैसे दादी ठीक ही तो कह रही हैं। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि जेवी को शादी कर लेनी चाहिए। फिर वो तौसीफ अंकल का बेटे का इतना अच्छा रिश्ता आया है, आई थिंक यू शुड फाइनलाइज। एग्जैक्टली। ओह आई सी, ये आप कह रहे हैं। वैसे बाय द वे, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? भाई मेरी बात तो और है ना। क्यों, तुम्हारी और बात क्यों है? बस अब शादी करो और घर बसाओ अपना। अरे यू नो बीजी, व्हाट इज द ब्रेकिंग न्यूज? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हमारे जो बरखुदार हैं यानी कि जावियार गंजम्फर, ये एक यूनियन बना रहे हैं जिसका नाम है बैचलर यूनियन ऑफ द वर्ल्ड, और ये उसके ताहयात प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। ऐसी बात नहीं है डैड, अभी तो काम करने का मौका मिला है ना, जस्ट वांट टू फोकस ऑन वर्क। और अगर शादी के झंझट में फंस जाऊंगा तो फिर काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। एक तो मैं तुम लोगों की इन बातों से सख्त बेजार हो जाती हूं। पड़ों की बात तो किसी ने सुननी ही नहीं है। इस घर में तो ना पूछ है ना गच। लो कर लो जो दिल चाहता है। दादो भी नाराज हो गई। अरे ऐसे आपको नहीं जाने दूंगा। क्या मतलब है? आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, इतना बड़ा अवार्ड जीता है डैड। डैड वो म्यूजिक लगाएं, गाने लगाएं। यस बीजी, बाबा का फेवरेट सॉन्ग लगाता हूँ। या एल्वे का ये गा। हाँ एल्विस, एल्विस हो जाए। अरे दादी इतना बड़ा अवार्ड जीते। अरे सब नाराज होके क्यों चले गए? कम ऑन दादी, छोड़ो। आपको पता है एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द सक्सेस। वी मस्ट एंजॉय इट एंड पार्टी। अब 6:30 की बजाय 5:30 बजे तक उठा कर मैं सारे काम निपटाऊंगी, जल्दी से नमाज पढ़ूंगी और उसके बाद दादी और भाई को चाय देनी होगी। भाभी थोड़ी ना इतने सारे काम कर सकेंगी। बच्चों का यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दूंगी और उसके बाद नायाब अपने कॉलेज जाएगी। बहुत मजा आएगा। ये दादी ने नायाब को कुछ ज्यादा नहीं सर पर चढ़ाया हुआ? वहां गीला तौलिया मत रखा करें। एफए करके उसने कौन सा तीर चला लिया, बीए करके कोई स्कॉलर बन जाएगी? सी कम अकल और कुन जहन लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हें क्या मसला है उसके कॉलेज जाने में? भाई सारा वक्त तो घर के काम करती रहती है, कॉलेज चली जाएगी उसका थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। अच्छा और घर के काम कौन करेगा? कोई नौकरानी रख के दे रहे हैं मुझे? अरे भाई वो कह रही है कि वो घर के काम करेगी और उसके बाद कॉलेज चली जाएगी। रहने दे, कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। और मेरी बात सुने, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, उसकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। अरे यार दादी चाहती हैं कि वो आगे पढ़े ताकि उसके रिश्ता अच्छा हो। लोगों की बहुत डिमांड्स होती हैं आजकल। अच्छा अच्छा, जज्बाती भाषण ना दे मुझे। लड़कियों की ना शादी के लिए तालीम नहीं देखी जाती, सलीका मंदी देखी जाती है। कोई फायदा नहीं उनको इतना ज्यादा पढ़ाने का। और ये नायाब की उम्र की लड़कियों पर ना नजर रखनी पड़ती है। खुदा ना खास्ता कल को कोई ऊंच नीच होगी तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे नाश्ता मिलेगा या भूखा जाऊं? जी हजूर, अभी लेकर आती हूँ। कोई और काम है तो वो भी बता दे। नौकरी मैं भी करती हूँ, मुझे भी बहुत काम होते हैं। नाश्ता करवाते हैं। मुझे भी होते हैं। ये देख अब ये सब बैग टूट गया, मैं इस बैग का क्या करूंगा? कहां से आएगा नया बैग? लो अभी से काम चोरी शुरू। नायाब, नायाब बीबी से तशरीफ लाइए। जी बीबी। नाश्ता, चाय? नाश्ता तैयार है, बस मैं एक सेकंड। मनवा लिया ना अपनी बात? बड़ी कोई कुन्नी हो, कैसे उतारा है भाई को शीशे में? इधर देखो जरा, शक्ल से कितनी सीधी और मासूम लगती है, अंदर से उतनी चला। सब पता है मुझे, ये पढ़ाई वढ़ाई का सब बहाना है। कॉलेज की आड़ में सैर सपाटे करने हैं ना, घर के कामों से जान जो छुड़वानी है। नहीं 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 भाभी, मैं घर के सारे काम कर दिया करूंगी। किचन की साफ सफाई, नाश्ता, बच्चों का यूनिफॉर्म, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं सारे काम करके जाया करूंगी। लेकिन तालीम मुकम्मल करना भी तो जरूरी होता है ना। चलो देख लेते हैं कि तालीम मुकम्मल करके तुमने कौन सी तोप चला लेनी है। नाश्ता मिलेगा? जी मैं बस।
इधर आ। तशरीफ लाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। What are you wearing? School shoes, white socks, white uniform. You're literally in a school uniform right now. Why? मदरसे जाने की बजाय सीधे कॉलेज आ गई हो? I think किसी और प्लेनेट की है. Agrigals? Oh, you're right. It looks like that. जी अब मैं जाऊँ? नहीं नहीं. Wait. किस बात की जल्दी है? तुम्हारा नाम क्या है? What's your name? बोलो। ननाया। क्या ऊंचा बोलो ना। स्पीक अप। तुरे नायाब। तुरे नायाब। तुरे नायाब इसका मतलब क्या होता है? मेरी दादी ने मेरा नाम रखा है। किसने? दादी ने। दादी ने। इसका मतलब होता है कीमती पत्थर, कीमती मोती। दादी ने दादियों वाला नाम रखा। राइट। ठीक है मैं जाती हूँ अब। हाँ हाँ जाओ। नहीं नहीं। नो 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 नो। क्या जल्दी है? रोज सुबह ये हमें सलाम करेगी, हमारे पास अटेंडेंस लगवाएगी, फिर हम तुम्हें क्लास में जाने देंगे। एग्जैक्टली है जी। मैं बेलाना का आप सबको अटेंडेंस लगवा दिया करूंगी रोज। गुड गर्ल। गुड गर्ल। गो। हाँ हाँ मैं बस नोट्स कलेक्ट करके आ रही हूँ। ओके। हाय माहम। और तुम दुरे नायाब, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब आज मेरा पहला दिन है ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी क्लास ढूंढ रही हूँ, क्लास मुझे मिल नहीं रही। ऊपर से आज सब कुछ उलट हो गया। आपकी दोस्तों ने भी। घबराओ मत, मुझे पता है वो बहुत बदतमीज़ है। एंड ट्रस्ट मी, वो यहाँ पढ़ने नहीं आती, बस सबको ऐसे बुली करती हैं। सो जस्ट रिलैक्स। क्या सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे? मेरे भाई ने जो फॉर्म्स भरे थे ना, उसमें उर्दू लिटरेचर और इस्लामियात था, लेकिन मुझे इस रोल नंबर वाली जगह पे अपने क्लासरूम का पता ही नहीं चल रहा। आप मेरी मदद कर सकती हैं? दिखाओ। नो वरीज, तुम आओ मेरे साथ। थैंक यू। तुम बहुत इनोसेंट हो।